एक सर्वे के मुताबिक पूरे वर्ल्ड में तकरीबन 12 करोड़ लोगों ने अपनी जॉब्स खो दी हैं। इंडिया भी इस समस्या से अपने आप को कैसे बचा पाता? कहीं सैलरी कट ऑफ, कहीं ले ऑफ, कहीं जॉब का जाना। एक बार तो एक सदमा सा लगता है, चारों तरफ से तनाव घेर लेता है, लेकिन उदास होने की क्या बात है। किसी ने ठीक ही कहा है, जिंदगी में अगर कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलेंगे, इरादे नहीं। तो आज मैं बात करती हूँ एक ऐसे बिजनेस आइडिया की जिसे आप अपनी मन मर्जी से करेंगे और एक रिस्पेक्टेबल इनकम भी कमाएंगे। इस मुश्किल समय में फ्रीलांसिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमारे सामने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह है। तो बात करते हैं फ्रीलांसिंग में हम क्या क्या कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग में अगर हम एडवाइजरी सेक्टर की बात करें सबसे पहले, तो आप अगर आप लीगली क्वालिफाइड हैं, आपके पास लॉ की कोई डिग्री है, तो आप लीगल एडवाइस देकर भी काम कर सकते हैं। जैसे आप अपने क्लाइंट्स को इनकम टैक्स की रिटर्न कैसे फाइल करनी है इसके बारे में गाइड कर सकते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स भरना है, रेंटल इनकम पे कोई टैक्स भरना है, इंटरेस्ट या डिविडेंड इनकम पे कोई टैक्स भरना है, सेल्स टैक्स है, जीएसटी या पैन कार्ड उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसी तरह से एडवाइजरी सेक्टर में ही आप इन्वेस्टमेंट की गाइडेंस भी दे सकते हैं। उनको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, शेयर मार्केट इस वक्त बहुत लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं शेयर मार्केट में, और किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, किसान विकास पत्र या इस तरह की किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए भी गाइड कर सकते हैं। इंश्योरेंस एडवाइस भी, क्योंकि कोविड के बाद लोगों का मेडिक्लेम्स की तरफ बहुत ज्यादा रुझान बढ़ा है, तो आप इसकी भी गाइडेंस उनको दे सकते हैं। और बहुत सारे डॉक्टर्स भी अब तो अपनी मेडिकल एडवाइस जो है वो फ्रीलांसिंग के थ्रू या ऑनलाइन गाइडेंस दे रहे हैं, तो ये सब आप नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, दूसरा सेक्टर आ जाता है एक स्किल बेस्ड एजुकेशन का। तो इसमें इंडिया की जो फूड इंडस्ट्री है वो वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है। तो फूड इंडस्ट्रीज में अगर आप घर बैठे, अगर आपको पिकल्स बनाना आता है, कुकीज बनानी आती हैं, केक्स बनाने आते हैं, चॉकलेट्स, स्नैक्स या कोई भी और फूड आइटम्स आपको बनाने आते हैं, तो आप उसे प्रोफेशनल तरीके से, अगर आप उस काम को जानते हैं, स्टैंडर्डाइज तरीके से आप काम करना जानते हैं, तो आप ये नॉलेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। लेडीज घर में बैठकर निटिंग, स्टिचिंग, एम्ब्रॉयडरी, ड्रेस डिजाइनिंग, इन सब आइडियाज को भी आगे फ्रीलांसिंग के थ्रू प्रोवाइड नॉलेज प्रोवाइड कर सकती हैं। मेकओवर की गाइडेंस या फिर फिटनेस की ट्रेनिंग या पेट्स की ट्रेनिंग, ये सब काम जो स्किल बेस्ड नॉलेज है ये भी फ्रीलांसिंग के थ्रू बहुत अच्छे से की जा सकती है और इसमें अच्छा खासा इनकम भी जनरेट की जा सकती है। अब हम बात करते हैं कुछ नॉलेज बेस्ड एजुकेशन की, तो इसमें प्राइवेट कोचिंग आ गई और कंप्यूटर ट्रेनिंग, कोडिंग स्टूडेंट्स बहुत सीख रहे हैं आजकल, बहुत रुझान बढ़ रहा है। अगर आप कोडिंग की नॉलेज रखते हैं तो आप उसकी भी नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं। डेटा एनालिटिक्स का बहुत स्कोप बढ़ता जा रहा है, आप उसकी भी नॉलेज दे सकते हैं। वास्तु के आइडियाज भी दे सकते हैं अगर आप ये नॉलेज रखते हैं। अगर आपको इसकी पूरी तरह से नॉलेज है तो आप अच्छे से फ्रीलांसिंग के थ्रू ये नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं। एक बार हम बात करेंगे लास्ट में डिजाइनिंग के लिए, तो डिजाइनिंग का बहुत स्कोप बढ़ता जा रहा है। जैसे कॉलेज की मैगजीन, स्कूल मैगजीन्स, प्रॉस्पेक्टस, स्कूल डायरीज और इसी तरह से बिजनेस मैगजीन्स के इंटरनल पेजेस और बाहर का कवर पेज हो गया, इन सब की डिजाइनिंग भी बहुत अच्छा बिजनेस जनरेट कर रही है। वेब डिजाइनिंग का भी बहुत स्कोप है, ग्राफिक डिजाइनिंग का भी स्कोप है, पोस्टर्स, लोगो, ये सब काम भी फ्रीलांसिंग के थ्रू आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो फ्रीलांसिंग बिजनेस एक बहुत अच्छा बिजनेस है आज के टाइम में। और इसके फायदे क्या हैं कि आपको बिल्कुल कहीं भी ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई बिल्डिंग रेंट पे लेने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर में बैठे हुए कंफर्ट जोन में रहते हुए ये काम कर सकते हैं। आपके ऊपर कोई वर्किंग लोड का प्रेशर नहीं है, आप ज्यादा काम करना चाहें ज्यादा कर सकते हैं, कम करना चाहें कर सकते हैं, और इस तरह से आप अपने कैलिबर के अकॉर्डिंग हजारों लाखों रुपए तक अर्न कर सकते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, मैं अकेला ही चला था जानी ना मंजिल, मगर रहनुमा मिलते गए और कारवां बनता गया।